अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू रानीज गार्डन। देखिए, रात एक वीडियो अपलोड करी थी मैंने, जिसमें एरेंथेमम और सेंचेजिया और कोलियस, इनकी सबकी कटिंग्स मैंने सेपरेट की थी। और आज भी कुछ काम करने हैं, तो देखिए इसमें हमारा ये कैलेंचू लगा हुआ है, ये हमारा क्यारी वाला लंबा पॉट है। तो अब चूंकि कैलेंचू में फ्लावरिंग का टाइम आ रहा, और इसमें मैंने ये एक छोटी सी इतनी सी कटिंग लगा दी थी, ये अजवाइन का प्लांट है। इनफैक्ट ये अजवाइन का प्लांट नहीं होता है, लेकिन जैसा कि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि इसकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो अजवाइन जैसी होती है, तो इस वजह से इसको अजवाइन का प्लांट बोल देते हैं, अजवाइन नहीं है। और ये देखिए ग्रासों पर, और ये बहुत दुश्मन है हमारे प्लांट्स के। आपको ये इसमें कशीदेकारी दिख रही होगी, ये इतने सुराख किए हैं इन लोगों ने, तो बस ये इनकी खुराक यही है, इनकी ग़िज़ा यही है, ये पत्तियों को खाते हैं। तो बहरहाल खैर उड़ाया जाए इनको। तो ये देखिए अब करने लगी हूँ जो मैं, तो एक छोटी सी अभी देखिए आपको निकाल के दिखाती हूँ, थोड़ा सा इसमें दोनों हाथों की ज़रूरत पड़ेगी। एक सेकंड, मैं अभी दिखाती हूँ निकाल के। अब देखिए आप लोग ज़रा कि एक छोटी सी कटिंग मैंने ग्रो करी थी और यूं ही उठा के टूट गई थी। ये बहुत ही नाजुक होती हैं, इनकी टहनियाँ टूट जाती हैं, इनकी पत्तियाँ भी बड़ी नाजुक होती हैं, तो ये टूट जाती हैं एक झटके से ही। तो इसको मैंने यूं ही बस उठा के टहनी इस वाले पॉट में ऐसे रख दिया था। और ये देखिए इसकी रूट्स देखिए कितना बड़ा प्लांट तैयार हो गया। हालांकि मैं इसको फेंकूंगी नहीं, मैं इसको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दूंगी, क्योंकि बहुत अच्छी इससे फ्रेग्रेंस आती है, तो इसको मैं यूज़ में लूँगी अभी। अच्छा चलिए फिर कुछ और दिखाती हूँ। ये अब देखिए इसने यहाँ पे जगह बना ली थी, ज़ाहिर बात है इतना बड़ा प्लांट लगा हुआ था, तो खैर कोई बात नहीं, थोड़े दिनों बाद ये फिलअप हो जाएगा। अजान हो रही है, मैं अजान मुकम्मल होने पे फिर वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। ये देखिए ये हमारा कोलियस है, मैं कहीं से इतनी सी टहनी लेके आई थी, उसके बाद उसको मैंने ऐसे कटिंग के तौर पर लगा दिया था, फिर कटिंग से फिर मैंने उसको सेपरेट किया था, फिर एक छोटा सा ही प्लांट तैयार हुआ था, लेकिन मैंने उसमें ऐसे इतनी सारी कटिंग्स निकाली थी। मैं वो प्लांट दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये है वो प्लांट, और एक 3 इंची के पॉट में लगा हुआ है, और इसी में से मैंने सारी कटिंग्स ली थी और उन कटिंग्स को लगाया था। वो देखिए सारी ग्रो हो गई हैं, और देखिए रोज़ के ही काम रहते हैं, कुछ ना कुछ गार्डन में करते रहो, तो फिर डेट कहाँ तक याद रखी जाए मैं मेंशन कर दूँगी। और अब इन कटिंग्स को मैं निकालती हूँ, देखिए इस तरह से, और चाहती हूँ कुछ सब कुछ दिख जाए आपको, लेकिन चूँकि वही बात है कि एक ही हाथ से सब कुछ करना, बस इसको यहाँ से पकड़ना है एकदम रूट के पास से। ये देखिए पूरा ये रूट बॉल भी निकल आया है, और इस प्लांट के मरने के कोई चांस नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि ये वक्त बहुत अच्छा है कटिंग्स लगाने का, आप लोग कटिंग्स ज़रूर ग्रो करें, क्योंकि बारिशों के बाद जो ये ठंडा मौसम शुरू हो गया है, रातें ठंडी हो गई हैं, तो इस मौसम में आप लोग कटिंग्स ज़रूर ग्रो करें, तो इंशाल्लाह पूरे इम्कान रहते हैं कि ये कटिंग्स चल जाएंगी। देखिए मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि बिल्कुल मैं जड़ तो दिखा सकूं, तो चूँकि आप लोग जानते हैं झुकने में और उकड़ू बैठने में प्रॉब्लम है, इस तरह से देखिए। देखिए इसमें ये बहुत ही छोटी सी कटिंग थी, बिल्कुल इतनी सी थी, ये टूट गया था, ये टहनी टूट गई थी, मैंने ऐसे ही रख दिया था। तो देखिए इसमें ये देखिए रूट्स हैं, तो पूरी उम्मीद है कि ये चल जाएगी, तो इसको भी मैं यूँ ही रख रही हूँ। और इसमें देखिए ये इस तरह से इसको निकाला, इसको भी निकाल लिया, और एक ये हमारा एक बैटरी का खाली केस था,
और किसी ने फेंका होगा उठा के, रास्ते से मैं गुजर रही थी तो मैंने इसको उठा लिया, क्योंकि गार्डनर के लिए तो कुछ भी बेकार नहीं होता है ना। मैंने इसको अपने यूज़ में ले लिया। इसमें क्या लगा हुआ था, इसमें एक टाइम में मैंने बहुत सारा क्या लगाया था, स्पाइडर प्लांट लगे हुए थे, और उसके बाद लास्ट ईयर मैंने वो स्पाइडर प्लांट हटा के इसमें लेंटाना लगाया था, और लेंटाना के प्लांट मेरे पास बहुत सारे थे। अब इस बार जो कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हुआ हमारे घर, उसमें ये सारे प्लांट्स हमारे ख़त्म हो गए। लाऊंगी मैं, लगाऊंगी। और ये देखिए, मैंने इसमें कटिंग से देखिए ग्रो किया है सेंचेजिया स्नेक प्लांट, तो ये कटिंग मैंने लगाई थी। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको, ये वाली ये कटिंग लगाई थी। अब इसी में देखिए नया पब निकला है, ये देखिए बेबी निकला है, और एक कटिंग यहाँ पे लगाई थी, इसको मैंने सेपरेट कर लिया है, और एक इसका ये बेबी निकल रहा है, और इधर छोटी सी कटिंग जेड की लगी हुई है। तो और ये मदर ऑफ मिलियंस, ये तो कहीं भी ज़रा सा एक पत्ता टूट के गिर जाए तो ग्रो हो जाता है। चलिए अब इनके साथ ही मैं और भी कटिंग्स लगाती हूँ, दिखाती हूँ आपको। ये चलिए दिखाती हूँ आपको अपनी ये वाली कटिंग्स। आपको हैरत होगी, ये हमारी कटिंग्स तकरीबन 20 से 22 दिन पुरानी है, लेकिन बिल्कुल मौका नहीं मिला कि मैं इनको कहीं लगाती। अब इसमें देखिए सॉन्ग ऑफ इंडिया भी है, और इतने दिनों से पानी में डूबी हुई हैं, चल जाए तो ये हमारी किस्मत है। उम्मीद तो कम ही लग रही है, बहुत टाइम हो गया है। और ये देखिए रोज़ हैं सारे, और ये देसी वाले रोज़ हैं, हालांकि अभी सड़ी नहीं है ये इनकी टिप्स, लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ लगा दूँगी, चल जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं चलेगी तो उठा के फेंक दूँगी। ट्राई करने में हरज क्या है, हालांकि ये उसी टाइम लगा दी जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। और ये तीन कटिंग्स हमारी हैं, एक ये बिल्कुल बारीक सी, ये दो ये हैं, एक ये है, और एक कहाँ गई, ये हमारे उसकी हैं जो हमारा येलो वाला बोगनविलिया है, तो उसकी आंधी तूफान में एक टहनी टूट गई थी, तो कई दिनों तक तो लटकती रही, फिर मैं ऊपर जाके इसको कट करके लेके आई थी। ये काम करे हुए भी मुझे 4 से 5 रोज़ हो गए हैं, लेकिन बहरहाल मैं इसको लगा दूँगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और ये देखिए इसको इस तरह से लगा दिया, थोड़ा सा दबा देना ज़रूरी है। आप अगर कटिंग्स ग्रो करें तो आप ये बात ख़ास याद कर लें कि जब भी आप कटिंग्स लगाएं तो खूब अच्छे से उनको प्रेस कर दें। प्रेस करने का इतना ऐसी भी बात नहीं कि उनको सांस लेने ही का मौका ना मिले, थोड़ा सा प्रेस कर दें। प्रेस करने की जो ज़रूरत रहती है वो ये रहती है कि फिर ये कटिंग्स हमारी हिलें डुलें ना। और कटिंग्स लगाने के बाद आप कोशिश करें कि कम से कम 4-5 रोज़, मैं तो कहती हूँ एक हफ्ता तक, इनको बिल्कुल शेडी प्लेस में रखा जाए, जहाँ सुबह की थोड़ी धूप मिल जाए तो ठीक है। शेडी प्लेस में रखने का मतलब नहीं कि आप उठा के रूम में ही रख दें, किसी बड़े पेड़ के नीचे, और पेड़ नहीं आपके पास तो कोई बड़ा प्लांट है, घना प्लांट है सायदार, उसके नीचे रख दें तो छन छन के धूप भी मिलती रहेगी, और जो है क्या कहते हैं शेड भी मिलता रहेगा। तो आपको ये काम करना है, और फिर जो एक काम और करना है आपको, तो कटिंग लगाने के बाद आप कोशिश ये करें कि जब तक इनमें खूब अच्छे से, देखिए एक बात और भी आपको मैं बताती हूँ, अगर आप बिगिनर हैं और अगर आप गार्डनर हैं तो आपको तो खैर पता ही, बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनमें लीव्स आ जाती हैं तो आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एटलीस्ट हमें भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें लीव्स आ गई, अब ये प्लांट चल गया। लीव्स आने की कोई गारंटी नहीं है कि प्लांट चल गया। देखिए ये नोड एरियाज हैं, इनमें लीव्स आ जाती हैं, ठीक है, इनको पानी मिलेगा और इनको मॉइस्चर मिलता रहेगा, इनको खुराक मिलती रहेगी, तो ये इसमें लीव्स आ जाएंगी। लेकिन जब तक इसमें रूट्स ना आ जाएं तो फिर आप ये समझ लीजिए अभी आपका प्लांट नहीं चला। अच्छा, अगर आप कोई ट्रांसपेरेंट पॉट लेते हैं तो फिर आपको पता भी लग जाएगा कि इसमें रूट्स आई हैं कि नहीं आई हैं। तो ये हमारा एक जो फूड्स आइटम बाहर से आते हैं, तो ये शायद रसगुल्ले का डब्बा है, तो मैं इन सबको फेंकती नहीं हूँ, मैं इन सबको बहुत अच्छे से रख लेती हूँ। तो इसी रखने का नतीजा है फिर मैं इनमें सब में कटिंग वटिंग लगा देती हूँ। तो बस ये है कि ट्रांसपेरेंट आपका पॉट रहेगा तो आपको दिखता भी रहेगा कि इसमें रूट्स आई हैं कि नहीं आई हैं।
और बस कुछ नहीं, आपको सिंपल इसमें जो है इस तरह से लगा दीजिए। मुझे तो 99% उम्मीद नहीं लग रही कि हमारी ये पहले वाली कटिंग्स चलेंगी, लेकिन लगाने में हरज भी क्या है, मैं इनको लगा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने लगा दी हैं। तो मेथड तो वही रहेगा सेम लगाने का ही जो और सारी कटिंग्स का रहता है। तो चूँकि थोड़ा इस मोबाइल थोड़ा इधर से उधर हो रहा होगा तो उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं शूट भी कर रही हूँ, तेज़ धूप भी है तो समझ में भी नहीं आता है कि कुछ दिख रहा नहीं दिख रहा। बहरहाल मैंने इनको लगा दिया है और इसी तरह से मैं इनको भी लगा के फिर आपको दिखाती हूँ कि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, जैसा कि मैं बोलती हूँ, एक आदत पड़ गई है। ये देखिए एक कॉर्ड ये तैयार हो गया है। कल अगर आपने वीडियो मेरी देखी होगी तो देखा होगा इसमें मैंने लगाया हुआ था कोलियस, तो कोलियस खूब अच्छे से चल गए थे, फिर उनको रिपोर्ट मैंने कर दिया है। अब इसमें एक दो तीन, ये तीन तो हमारी कटिंग रोज़ की हैं, ये देसी वाला रोज़ है। मेरे महल में एक मेरी भाभी होती हैं तो उनके यहाँ ये रोज़ और ये सब लगे हुए हैं, तो उन्होंने कटिंग करी थी तो उन्होंने सोचा होगा फेंक दूँगी, तो इससे अच्छा मैं किसी को दे दूँ। तो बेचारी ने फ़ोन किया था ख़ास मुझे कि उठवा लो, लेकिन ये उनके यहाँ से आते आते भी दो तीन दिन लग गए उसके बाद तो ये हमारे घर में ही पड़ी रही हैं। फिर मौका मिलते ही मैंने इनको फ़ौरन कट करके पानी में डिप कर दिया, और कि कम से कम इनको जो है मॉइस्चर मिलता रहेगा। और देखिए कटिंग लगाने का बहुत ही बेस्ट सीज़न है मैं तो कहूँगी, और लगती ही कटिंग इस मौसम में बहुत अच्छी है रोज़ की, चाहे वो देसी हो चाहे इंग्लिश हो कुछ भी हो। तो ये अक्टूबर नवंबर बहुत ही अच्छा सीज़न होता है, क्योंकि इसमें रातें ठंडी होती हैं, रात में ओस भी गिरती है तो इसमें मॉइस्चर भी बना रहता है। अच्छा कटिंग लगाने के, कटिंग जब आप लगाएं मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ फिर बताती हूँ। देखिए एक ये पॉली बैग है, इसमें भी हमारी कटिंग। अच्छा आप जब कटिंग लगाएं और कटिंग कहीं से लेके आएँ तो आप ये ख़ास ख्याल रखें कटिंग्स का, कि आपको ये ख्याल रखना है कि उल्टा क्या है सीधा क्या। उल्टा सीधा मीन्स देखिए अब इस तरह से मैंने इसको डाला था, मुझे पहचान है ये चीज़ ज़मीन में जाएगी, मिट्टी में जाएगी, और ये पोर्शन ऊपर रहेगा। तो जो चीज़ मिट्टी में जाएगी उसको नीचे रखना है, और बहुत बार पहचान नहीं हो पाती है तो लगा दी जाती हैं उल्टी कटिंग्स, तो जाहिर बात है उल्टी हैं तो वो कहाँ से चलेंगे। तो इस तरह से ये देखिए, और ये इसमें कोई खाद कोई मिट्टी कुछ नहीं है, खालिस बालू है, वही बालू जिसको बहुत जगह रेता भी बोलते हैं और कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ होती है ये बालू है, इसको रिवर सैंड भी बोलते हैं। तो ये वही चीज़ है। देखिए इसको मैं खूब नज़दीक नज़दीक लगाए दे रही हूँ, चलना होंगी तो चलेंगी, उम्मीद भी बहुत कम है। हालांकि ये बहुत ही थिक कटिंग है, अगर ये टाइमली लग गई होती तो चल जाएंगी। फिर मैं अपडेट दिखाऊँगी आपको जैसे इसमें जो है कोई रूट्स या शूट्स आएंगे, मैं आपको दिखाती रहूँगी। और ये देखिए, और एक जगह आपको करना क्या है, जो प्लेस आपको प्लेस चूज़ करना है तो आप वो प्लेस चूज़ कर लें कि आपको इसको कहाँ रखना है। फिर आपको इसमें एक बार खूब अच्छी वाटरिंग कर देनी है, वाटरिंग इतनी अच्छी करनी है कि वाटर जो है नीचे से बिल्कुल बाहर आ जाए। फिर आप जब तक इसकी ये बालू मॉइस्ट रहेगी तो आपको इसमें कोई वाटरिंग नहीं करनी है, और बालू तो जानते हैं आप कि अपने आप में ही पानी को होल्ड करके रखती है, तो रोज़ रोज़ पानी देने की यूँ भी कोई ज़रूरत नहीं। आप टटोल के देख लें कि ऊपर ये सरफेस बिल्कुल ही जब सूख जाए आपका, तो इसमें आप स्प्रे वगैरह से पानी दे दें, या आप एक्सपर्ट हैं तो हल्के हाथों से किसी मग वगैरह से पानी दे दें कि इनके ये रूट्स ये कटिंग्स इनकी डिस्टर्ब ना हों। तो ये काम हमारा हो गया, बहुत दिनों के काम पेंडिंग थे ये, थोड़े छोटे छोटे काम, और लेकिन बस वक्त नहीं मिल पा रहा था तो हो नहीं पा रहे थे। देखिए इसको मैंने डन कर लिया है। अब आती है बारी हमारी इन कोलियस की। तो हालांकि ये कम से कम दो पॉट में लगते तो ये बहुत अच्छे रहते, लेकिन कोई नहीं, इनको मैं एक पॉट में लगा के और फिर इनकी कटिंग ग्रो कर लूँगी, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे मेरे पास। तो फ़िलहाल मेरे पास, जैसा कि मैं कल की वीडियो में भी बोल चुकी हूँ कि मेरे पास अभी ज़्यादा पॉट्स अवेलेबल नहीं हैं, तो इस वजह से मैं ये कर रही हूँ कि एक में ही सब नज़दीक नज़दीक लगाए दे रही हूँ और फिर इनकी कटिंग्स लग जाएंगी। देखिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है लगाने में, क्योंकि ये खास मोबाइल पकड़ा हुआ है, मैं लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देख लीजिए, इसको मैंने लगा दिया है, नज़दीक नज़दीक लगा दिया है।
और अभी इसमें थोड़ी सी मिट्टी पड़ेगी, मिट्टी पड़ के फिर पानी पड़ेगा। और अहबान भाई आ गए हैं, तो जाहिर बात है आप लोग जानती हैं कि बहुत बड़े गार्डनर हैं वो, तो वो लग चुके हैं। ये देखिए पानी ला रहे हैं, ये देखिए धीरे 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 डालना, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, हिलने ना पाए। बस थोड़ा इतना ना, बस ठीक है। और डाल दो हल्का सा डालो, बस बस इतना, अब सब डाल दे बस करो। तो ये काम तो हमारा हो गया, अभी इसमें थोड़ी सी मिट्टी और फिल कर दो, तब इसमें पानी डालते हैं। ये देखिए मिट्टी हमने फिल कर दी है, और ये अब इसमें मैं वाटरिंग कर रही हूँ। अब ये इसको एकदम फुल कर दिया है, अब इसमें कई दिनों तक पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना ये है कि इसमें से पानी बाहर आ जाए, तो थोड़ा सा भी एब्जॉर्ब करेगा अपने में, उसके बाद ही पानी नीचे से आ जाएगा। देखिए इनमें देखिए ये सारा पानी बह गया है। तो बालू की तो खास यही पहचान है कि बालू जो है एक्स्ट्रा वाटर जो भी होगा तो वो निकाल देगा, और जो होल्ड कर सकता है इतना वाटर वो होल्ड कर लेगा। तो देखिए अब इनको मैं किसी साधार जो है जगह में रख दूँगी, अभी इसमें से कोई पानी बाहर नहीं आया है। धीरे धीरे जब ये एब्जॉर्ब कर लेगा अभी बाहर आ जाएगा, मैं वो भी दिखा दूँगी। ये देखिए एक्स्ट्रा जितना भी वाटर था वो सब बाहर आ गया है, और ये देखिए इसकी ये पहचान है कि इसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ मेरे सारे प्लांट्स रखे हुए हैं, इस हिस्से में मैंने सारे अपने ये कोलियस, सेंचेजिया और एरेंथेमम ये सब रखा हुआ है। तो देखिए ये कटिंग्स मैंने कल लगाई थी, देखिए अच्छे से चल रही हैं। और ये सेंचेजिया है, थोड़ा सा भी लटका हुआ आपको दिख रहा है तो कोई बात नहीं, ये एक दो दिन में ये भी सही हो जाएगा। और ये देखिए इसमें अहबान पानी देना भूल गए थे, तो देखिए इस तरह से लटकी हुई हैं इनकी पत्तियाँ, तो कोई बात नहीं एक दो दिन में ये भी सही हो जाएंगे। और फिर मैं बड़े किसी बड़े पॉट में इसको भी मैं लगाऊंगी, छोटे से पॉट में लगे हुए हैं ये कटिंग्स लगाई थी मैंने। और ये वाला प्लांट मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया था, अभी इसी कंस्ट्रक्शन वर्क में एक इतनी सी कटिंग बची थी, मैंने अल्लाह का नाम लेके उसको लगा दिया था। और ये देखिए चल रहा है, और ये देखिए बिगुनिया है, इसको मैं लेके आई थी, और इसकी कटिंग भी मैंने कहीं लगाई थी, कहाँ लगाई थी मुझे खुद नहीं याद है, और मुझे ये भी नहीं याद पड़ रहा कि ये मदर प्लांट है या इसकी कटिंग है। एक प्लांट गायब है, वो नहीं दिख रहा, क्योंकि इतने सारे प्लांट हमारे पास हैं तो पता ही नहीं चल पाता है कि कहाँ कौन से प्लांट रखे हुए हैं। और ये देखिए क्या है, कैलेडियम, और इधर भी थोड़ी सी कटिंग्स रखी हुई हैं जैसा कि कल ही बताया था आपको। ये देखिए तो इनको भी मैं थोड़ा सा इधर साए में रख दूंगी, अभी अहबान की मदद लेके, अभी अहबान मदरसे से आए हैं, थोड़ा सा मैं उनकी हेल्प ले लूँगी क्योंकि बहुत ही धूप में है ये, तो इनको मैं हटा दूँगी, फिर जैसे कोई पॉट अवेलेबल होता है मैं इसको लगा दूँगी। चलिए गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग इधर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या बात है, सब्सक्राइबर हमारे ऐसा लग रहा है कोई वीडियो देख ही नहीं रहा, सब्सक्राइब हो ही नहीं रहा है, तो प्लीज़ 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 आप लोगों की हेल्प की बहुत बहुत ज़रूरत है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें हमारे चैनल को। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।